नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट 29 तारीख तक बढ़ा दी गई है, तो अब आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें या क्लिक करके अपना नाम भरें, जैसे कि मैं अपना नाम भरता हूँ। इसमें आप अपना ईमेल आईडी दर्ज करें, इसके बाद आप अपना फोन नंबर दर्ज करें, फिर अपना पासवर्ड क्रिएट करें, और इसके बाद में आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स, आपको लिखा हुआ आएगा। आप अपना इसके बाद आप अपना इनबॉक्स चेक करें, फिर आपको एक आईडी पासवर्ड वहां प्राप्त होगा। जैसा कि मेरा आईडी पासवर्ड मुझे प्राप्त हुआ है JRRSU13759, और अब इसको आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपसे ये सवाल पूछेगा कि क्या आप JRRSU में एनरोल्ड हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, शास्त्री प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको अपना एनरोलमेंट भरना होगा। वो अपना कहेंगे नहीं। अगर आप द्वितीय वर्ष के हैं या तृतीय वर्ष के हैं, आप कहेंगे यस, और उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। अगर छात्र प्रथम वर्ष का है तो उसको नो करेंगे। नो करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आप ग्रेजुएशन है कि ट्वेल्थ है। आप बताएंगे आप ट्वेल्थ पास हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप RBSC से हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं कि नहीं। अगर आप हाँ, तो अपना पासिंग ईयर डालेंगे हम, जैसे कि 2017। रोल नंबर आप इसमें डालेंगे अपना। टोटल मार्क्स डालेंगे आप कि आपके कितने टोटल मार्क्स थे, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, और यहाँ से आप अपनी अपलोड मार्कशीट करेंगे। यहाँ से एक चूज फाइल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक चूज फाइल कर ली है। यहाँ मुझे एक फोटो अपलोड करनी होगी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद अब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि आप प्रथम वर्ष के 3 अनिवार्य विषयों का चयन करें, और उसके बाद में 2 वैकल्पिक विषयों का चयन करें। ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान से पढ़ें, और छात्रों से बहुत ही नम्र शब्दों में अनुरोध है कि वो अपना परीक्षा फॉर्म सिर्फ कंप्यूटर या ई मित्र की सहायता से ही भरें। मोबाइल फोन से आपको भरने में दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद में आप बेसिक डिटेल अपडेट करें। बेसिक डिटेल के अंदर अपनी एग्जाम कैटेगरी, आप रेगुलर हैं, स्वयं पाठी हैं या एक्स स्टूडेंट है, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है, उसको चूज करें, जैसे कि मैं रेगुलर चूज करता हूँ। अपना प्रोग्राम टाइप अच्छे से ध्यान से सेलेक्ट करें कि आप शास्त्री हैं कि आचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप शास्त्री के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आप अपना फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है चूज करेंगे, और उसके बाद आपको अपना सेमेस्टर चूज करना होगा। इसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे इसमें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ये उसी तरीके से भरना है जिस तरीके से आप अपना अब तक भरते आए हैं। रक्त समूह, नेशनलिटी, आप इंडियन है, हिंदू, जो भी आपका धर्म है। अपना आधार नंबर आप इसमें डालेंगे 16 अंकों का। मीडियम आपका संस्कृत है। फिर आप अपने पिता या पति का विवरण इसमें डालेंगे, आपका जो भी डिटेल है उनका व्यवसाय डालेंगे। आप फादर हैं, आपके फादर का आप डिटेल डाल रहे हैं कि अपने हस्बैंड का। फिर आप अपनी माताजी का डिटेल डालेंगे इसमें। फिर अपना पत्राचार का पता डालेंगे इसमें। शहर अपना अपडेट करेंगे, अपना जिला अपडेट करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे इसमें।
जो कि 6 अंकों का होगा। फिर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको चेक करेंगे, आपका सेम डिटेल ऊपर से नीचे आ जाएगा। आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर का फोटो अपलोड करेंगे, यहां से एक्नोलेज करेंगे और यहां जाकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि यहाँ ओके सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप बेसिक डिटेल पे जाएं और फिर से चेक करें कि आपका शास्त्री फर्स्ट ईयर सेमेस्टर या आपका जो भी कोर्स ईयर या सेमेस्टर है उसको चेक करें और फिर अपलोड क्वालिफिकेशन पे जाएं और फिर आपने डिटेल डालें। और जब आप चूज सब्जेक्ट में आते हैं, सबसे ज़्यादा छात्रों को समस्या चूज सब्जेक्ट में इसलिए आ रही है क्योंकि वे अपना कोर्स ईयर और अपना अपना कोर्स ईयर और उसके साथ में अपना सेमेस्टर सही चूज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप यहां से सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट एग्जाम आपने जो भी पास किया है उसका रोल नंबर डालेंगे, वो क्लास डालेंगे आप, और फिर इसके बाद में आप इसमें ईयर चूज करेंगे आपने कब पास किया है और इसको सबमिट करेंगे। अब आप देखिए आपकी यहाँ पूरी फीस के साथ में सब कुछ सही आ गया है। अब आप फीस का पेमेंट करेंगे तो आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और आचार्य प्रथम और द्वितीय वर्ष के फॉर्म भरे जाएंगे। छात्रों से अनुरोध है फिर से कि आप अपनी बेसिक डिटेल को ध्यान से भरें और उसके बाद में यहाँ से फीस पेमेंट करके अपना फॉर्म प्रिंट करें। शुक्रिया।